हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। भारत में हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले महीने अपना स्टाइलिश स्कूटर डेस्टिनी 125 को भारत में लॉन्च किया था। तब यह स्कूटर भारत के सिर्फ कुछ चुनिंदा भागों में बिक्री के लिए मौजूद था, लेकिन अब कंपनी ने इस स्कूटर की बिक्री पूरे भारत में शुरू कर दी है। इस स्कूटर को कंपनी ने दो वेरिएंट्स LX और VX वेरिएंट में लॉन्च किया था। LX वेरिएंट की कीमत कंपनी ने 54,650 रुपये रखी थी, वहीं VX वेरिएंट की कीमत 57,500 रुपये रखी गई थी। इस स्कूटर में 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जो अधिकतम 8.7 BHP का पावर 10.2 न्यूटन मीटर के टॉर्क पर प्रदान करता है। स्कूटर में 10 इंच के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। दुर्गम रास्तों पर आरामदायक राइडिंग के लिए यह स्कूटर टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन से लैस है, साथ ही इसका ग्राउंड क्लियरेंस 155 मिलीमीटर का है। ब्रेकिंग के लिए स्कूटर में फ्रंट और रियर बूम ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो IBS तकनीक से लैस है। कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर 60 किलोमीटर लीटर का माइलेज प्रदान कर पाने में सक्षम है। राइडर की सुविधा के लिए इस स्कूटर में किक, इलेक्ट्रिक स्टार्ट और डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए गए हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मुख्य रूप से होंडा एक्टिवा और सुजुकी एक्सेज 125 सेकंड होना है। तो आप हमें बताएं कि इन तीनों में से आप किस स्कूटर को लेना पसंद करेंगे।